अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ अब सब ठीक होंगे। सो आज हम निबोश आईजीसी का एलिमेंट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो एलिमेंट नंबर 2 हमारे पास है हो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक, के हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह वर्क करता है और हमें किस तरह दिखाई देता है। सो इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, इस चैप्टर में हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम डिटेल में जो कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो एलिमेंट नंबर 2.1 है हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो इंट्रोडक्शन टू OHSMS। OHSMS स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो जो भी चीज़ें हम रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करते हैं वो किस पे ऑपरेट होती हैं, PDCA साइकिल पे। PDCA साइकिल हमारे पास क्या है, PDCA साइकिल में P स्टैंड फॉर प्लान, डी फॉर डू, सी फॉर चेक, ए फॉर एक्ट। सबसे पहले चीज़ों की प्लानिंग होती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हमने करनी है उसकी सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर वो प्लान हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर काम करते हैं, डू करते हैं, मीन के वो प्लान हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किए हैं वो हमारे लिए कितने इफ़ेक्टिव हैं, वो प्लान हमारे लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर अगर उसमें कोई मसला आ जाए, कोई खामी आ जाए, हमारे लिए अगर प्रॉपरली वर्क ना कर रहे हो, तो फिर हम उस पर क्या लेते हैं, एक्ट लेते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, हम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। सो ये नीचे पूरा एक साइकिल आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी का प्लान बना, फिर वो प्लान इम्प्लीमेंट हुआ, मीन के डू हुआ, उस पर हमने काम किया, फिर हमने चेक किया कि जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया है वो हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमें चेक के थ्रू पता चला। अगर वो प्रॉपरली प्लान हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा तो फिर हम क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन किस में लेंगे, प्लानिंग में लेंगे, क्योंकि जो भी मसला है वो किस में है, प्लान में है, हमारा प्लान प्रॉपरली हमने नहीं बनाया। सो हम अपना प्लान चेंज करेंगे, फिर वो प्लान इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, फिर अगर उसमें कोई मसला होगा फिर हम एक्शन किस में लेंगे, प्लान में लेंगे। इस तरह हम कंटिन्यूसली अपनी चीज़ें इंप्रूव करते जाएंगे इस साइकिल के थ्रू। सो जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो मैनेजमेंट सिस्टम पेश किया था 2001 में, वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले कंपनी की पॉलिसी बनती है, पॉलिसी में सारे कंपनी के गोल्स प्रायोरिटीज सारी सेट होती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, कि जो भी गोल हमने अचीव करने हैं उसमें हम क्या करते हैं, उन चीज़ों की ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, फिर हम अपने प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी हमने प्लानिंग की होती है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी वो हम अपने प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, फिर वो हम प्लान की अवैल्यूएशन करते हैं कि वो प्लान हमारे लिए कितने इफेक्टिव हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कोई उसमें मसला आ जाए फिर हम लेते हैं एक्शन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। एक्शन हमने ये देखें, ये लाइन जा रही है एक ब्लैक ऊपर, एक्शन कहाँ पर लेना है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग में, क्योंकि मसला कहाँ पर है, हमारी प्लानिंग में है, हमने प्लानिंग सही नहीं की। सो जो भी हमने एक्शन लेना है किस में लेना है, प्लानिंग में लेना है। इन सब चीज़ों का साथ साथ ऑडिट हो रहा होता है, पॉलिसी का भी ऑडिट हो रहा होता है, ऑर्गेनाइजिंग का भी ऑडिट हो रहा होता है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग का भी, एवेल्युएशन का भी, और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट का भी ऑडिट हो रहा होता है। सो पॉलिसी हमारे पास क्या है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो पूरा एक चार्ट पढ़ा है हमने, इसमें पॉलिसी हमारे पास क्या है, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब एक क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट, एक स्टेटमेंट दी जाती है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कि सेफ्टी सब के लिए ज़रूरी है, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट। फिर आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, जो ऑर्गेनाइजिंग होता है इसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी वो डिफाइन की जाती हैं एट ऑल लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मीन के टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाती हैं ऑर्गेनाइजिंग में। फिर जो हमारे प्लान होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग, इसमें जो भी हमने चीज़ें अरेंज करनी है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, कि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है, जो जो हमें चीज़ें अरेंज करनी होंगी वो हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं, प्लान करते हैं, जिस तरह रिस्क असेसमेंट हो गया, परमिट टू वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग में अरेंज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एवेल्युएशन आ जाता है, एवेल्युएशन क्या है, हमारे पास मेथड्स टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ अरेंजमेंट, जो चीज़ें हमने अरेंज की हैं प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग में, जो हमने चीज़ें अरेंज की हैं उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, रिव्यू करते हैं कि वो हमारे लिए कितने इफेक्टिव हैं। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट मीन कि जांच पड़ताल करना चीज़ों की,
कि एक चीज़ हमारे प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही, वो हमें ऑडिट के थ्रू पता चलता है। ऑडिट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, क्रिटिकल एंड सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। ये आज़ाद होता है, क्रिटिकल मीन कि इसमें छोटी छोटी चीज़ें पूरे सिस्टम की रिव्यू की जाती हैं कि सिस्टम में जो भी चीज़ें रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। तो फिर ऑडिट के बाद जो भी खामियाँ नज़र आती हैं उस पर हम क्या लेते हैं? एक्शन लेते हैं, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। सो एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है हमारे पास? स्टेप टू करेक्ट इशूज़ फाउंड इन रिव्यू। जो रिव्यू किया है, जो हमने ऑडिट किया है, उसमें जो भी इशूज़, जो भी मसले हमारे सामने आए हैं, उसको हम क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास आता है कंटिन्यूली इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होता है? दी SMS विल डिवेल्प ओवर टाइम। हम कंटिन्यूसली क्या करते जाते हैं? इंप्रूवमेंट लाते जाते हैं अपने सिस्टम में। तो इस तरह जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, SMS स्टैंड फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम विल डेवलप ओवर टाइम। इस तरह हम कंटिन्यूसली जब इंप्रूवमेंट लाते हैं तो जो हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो वक्त के साथ साथ डिवेल्प होता जाता है। सो एलिमेंट 2.1 हमारा कंप्लीट हो गया है। यह है ग्रुप एक्सरसाइज। ये क्या है? व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ आइलो OSH हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। कि जो आइलो ने हमें मैनेजमेंट सिस्टम पेश किया था उसके की एलिमेंट कौन से हैं, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। जो फिर आगे हम एक्शन लेते हैं, वो जो पूरा सिस्टम है वो इसमें आपने लिख देना है। इस स्लाइड का वो आंसर है। सो एलिमेंट 2.2 हमारे पास है मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। सो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हमारे पास क्या होती है? एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है। द फाउंडेशन स्टोन फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन आर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है हमारे पास? फाउंडेशन स्टोन है। अगर हम अच्छी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहते हैं तो ये क्या है? उसकी बुनियाद है, फाउंडेशन स्टोन है। जिस तरह कोई भी बिल्डिंग है उसकी सबसे पहले बुनियादें रखी जाती हैं। अगर बुनियादें ठीक नहीं होंगी तो जो बिल्डिंग ऊपर किस तरह खड़ी रहेगी प्रॉपरली। सो अगर हम प्रॉपरली किसी भी कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहते हैं तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है ये क्या है? फाउंडेशन स्टोन है, उसकी बुनियाद है। सेट्स आउट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्स जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं? सेट किए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है। फिर आइडेंटिफाइज हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दीज एम्स। इसमें आइडेंटिफाई होता है कि कौन बंदा जिम्मेदार होगा इन एम्स को अचीव करने के लिए। इट मीन्स कि इसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डिफाइन की जाती हैं। फिर स्टेट्स हो दी एम्स आर टू बी अचीव्ड। इसमें लिखा होता है कि जो हमारे एम्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किस तरह अचीव हम करेंगे। फिर स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन की जाती है। सो ग्रुप डिस्कशन पॉइंट, व्हाई माइट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन बी डिफरेंट। दो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिफरेंट क्यों हो सकती है? सो मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सो दो कंपनीज हैं, एक है ऑयल एंड गैस की, एक है कंस्ट्रक्शन कंपनी है। सो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अपने हैजर्ड होंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी के अपने रिस्क लेवल होगा, और जो ऑयल एंड गैस है उसके मुख्तलिफ हैजर्ड होंगे और उसका मुख्तलिफ रिस्क लेवल होगा। सो हैजर्ड और रिस्क जो है वो दोनों कंपनीज का डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। दोनों कंपनीज के पास जो कंपिटेंट मैन पावर है वो डिफरेंट हो सकती है। दोनों कंपनीज के पास नंबर ऑफ जो वर्कर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। दोनों कंपनी के जो रॉ मटेरियल है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी इनकी क्या होगी? डिफरेंट होगी। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाई इज नॉट देयर अ प्रिस्क्राइब्ड, ये क्यों नहीं कहा जाता, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू डेवलपिंग पॉलिसी। कि जब भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को डिवेल्प करते हैं वो मीन के एक ही हम पॉलिसी डिज़ाइन करें वो सारे साइज पे फिट आ जाए। साइज मीन नंबर ऑफ वर्कर जो वहाँ पे होते हैं। ये इस तरह नहीं होता, जितने नंबर ऑफ वर्कर कंपनी में होते हैं उसके लिहाज से हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डेवलप की जाती है। मीन्स कि एक कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो पॉलिसी होगी वो 1000 लोगों के मुताबिक डिज़ाइन की जाएगी। एक में 1500 लोग काम कर रहे हैं, जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है फिर 1500 लोगों के लिहाज से ही डिवेल्प की जाएगी। सो ग्रुप एक्सरसाइज, वाई इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सो इम्पोर्टेंट। मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इतनी ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि ये क्या है? फाउंडेशन स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन फॉर गुड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंडेशन स्टोन है, ये एक बुनियाद है। इसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होते हैं और इसमें कंपनी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं, इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई माइट टू ऑर्गेनाइजेशन डूइंग सिमिलर वर्क हैव डिफरेंट पॉलिसी।
ये मतलब ऐसा क्यों है कि दो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जैसा काम कर रही हैं फिर भी उनकी पॉलिसी जो है डिफरेंट है, मींस के दोनों ऑयल एंड गैस की कंपनीज है, फिर उनकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो डिफरेंट क्यों होती है, मुख्तलिफ क्यों होती है? सो इसमें बहुत सारी रीजंस आप लिख सकते हैं। दोनों में जो नंबर ऑफ वर्कर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों के पास नंबर ऑफ जो कंपिटेंट मैन पावर है वो डिफरेंट हो सकती है। सो जो बजट का डिफरेंट हो सकता है दोनों कंपनी, एक हो सकता है एक के पास ज़्यादा बजट हो एक के पास कम बजट हो, तो इसमें आप मुख्तलिफ इसमें रीजंस लिख सकते हैं। सो स्टैंडर्ड्स एंड गाइडनेस, आर्टिकल 14 आईएलओ रिकमेंडेशन R164, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेशन दी थी R164, उसका जो आर्टिकल 14 है उसके तहत रिक्वायर्स एम्प्लॉयर टू सेट डाउन इन राइटिंग पॉलिसी एंड अरेंजमेंट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। जो आर्टिकल 14 है आईएलओ का, उसके मुताबिक जो कंपनी का मालिक है वो क्या राइट करे, अपनी पॉलिसी राइट करे, उसमें प्रॉपरली हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए सारी अरेंजमेंट डिफाइन करे। वेयर सर्कमटेंसेज वारंट इट, जहाँ पे लात मतलब वार्न करें, वहाँ पे अपने लोगों को क्या दें, वार्निंग दें कि आप अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को सही प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लोगों को वार्न करें मुख्तलिफ हालात में। फिर इन रेडिली अंडरस्टूड लैंग्वेज और मीडियम, जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो अंडरस्टूड लैंग्वेज में हो, मीन्स के अगर आपकी कंपनी में लोग जो हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश जानते हैं तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो भी किस में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर वहाँ पे लोग कुछ हैं जो उर्दू मतलब ज़्यादा समझते हैं तो जो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो भी किस में होनी चाहिए, उर्दू में होनी चाहिए। हमने मेजोरिटी देखनी है जो लोग मीन्स के कौन सी ज़बान समझते हैं उस ज़बान में ही हमने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को डिज़ाइन करना है। सो दी थ्री पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है इसके तीन पार्ट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमारे पास अरेंजमेंट। ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के तीन पार्ट्स होते हैं हमारे पास। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या होती है, व्हाट इज गोइंग टू बी डन। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में डिफाइन किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने करना क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशन में हु इज गोइंग टू डू इट, ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाती हैं, फिर अरेंजमेंट में जो हमने चीज़ें रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करनी है उसके लिए जो अरेंजमेंट की जाती हैं वो इसमें सारी डिफाइन की होती हैं अरेंजमेंट में। सो स्टेप बाय स्टेप हम तीनों पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। सो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में क्या चीज़ें लिखी होती हैं, सेटिंग ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कंपनी के जो एम्स है ऑब्जेक्टिव हैं वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में सेट होते हैं। फिर कंप्लाइंग विद लॉ, हमने हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज के साथ कंप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो इसमें लिखा होता है। अचीविंग स्टैंडर्ड्स, हमने हेल्थ एंड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल उसके मुताबिक काम करना है वो अचीव करने हैं हमने। फिर रिमाइंड वर्कर एट ऑल लेवल्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमने लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में रिमाइंड कराना है, उनको याद करवाना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ये सारी चीज़ें किस में लिखी होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में। फिर साइंड एंड डेटेड बाई मोस्ट सीनियर पर्सन, फिर जो मोस्ट सीनियर पर्सन होता है कंपनी का वो क्या होता है, अकाउंटेबल होता है, वो जवाबदेह होता है हर बात में। सो वो इसको साइन करेगा और नीचे वो डेट लिख देगा जिस दिन ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बनेगी। फिर इसका रेगुलरली रिव्यू होता है। सो ये सारी चीज़ें किस में मेंशन होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में। सो सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, जो भी हमने कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करने हैं वो क्या होने चाहिए, स्मार्ट। सो स्मार्ट जो है ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है, स्मार्ट में एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रीजनेबल, टी फॉर टाइम बोर्ड, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, बिल्कुल ठीक होने चाहिए और क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। फिर मेरेबल टूवर्ड्स आर टारगेट, एक खास टारगेट के मुताबिक होने चाहिए, क्वान्टिफाइड होने चाहिए, एक मखसूस क्वान्टी में होने चाहिए जो हम ईजिली मेयर कर सकें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर अचीवेबल होने चाहिए, इट कैन बी डन। सो रीजनेबल विद इन टाइम स्केल एंड रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अपनी कंपनी में बजट है उसके मुताबिक हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और जो हमारे पास टाइम स्केल होता है उसके अंदर हम ईजिली अचीव कर सकें, मीन्स कि ये क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, हम अपने टाइम स्केल में ईजिली अचीव कर सकें और हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। फिर टाइम बाउंड होने चाहिए, मीन के डेडलाइन टाइम स्केल जो होता है उसके मुताबिक हम ईजिली अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। सो जो भी हमने ऑब्जेक्टिव कंपनी में सेट करने हैं वो क्या होने चाहिए, स्मार्ट। सो सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव,
इट विल बी इम्पोर्टेंट टू कंसीडर। जब भी हमने अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं तो उससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें अपने जहन में कंसीडर करनी है। सो हु इज़ गोइंग टू सेट द ऑब्जेक्टिव, कौन ऑब्जेक्टिव सेट करने जा रहा है। हो ऑब्जेक्टिव्स विल बी सेट एट ईच फंक्शनल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ फंक्शनल लेवल पर किस तरह ऑब्जेक्टिव सेट होंगे। लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट, जो लॉ है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स। हैजर्ड्स एंड रिस्क, हमारी कंपनी में हैजर्ड क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी होती हैं जब भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन, टेक्नोलॉजी को देखना होता है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हमारी कंपनी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या नहीं हो रही, उसके मुताबिक हम ऑब्जेक्टिव अपने सेट करते हैं। फिर हमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी होती है कि हम माली तौर पर कितना स्ट्रांग है, उसके लिहाज से हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। हमारे बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम अपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। फिर व्यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं उनके क्या व्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें देख के हम अपने ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करते हैं। सो ग्रुप एक्सरसाइज आए हमारे पास, टारगेट मे बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू शो कमिटमेंट टू इम्प्रूवमेंट। व्हाट टारगेट्स कुड बी इंक्लूडेड, जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हम बनाते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का पहला पार्ट है, उसमें मीन्स कि हम कौन कौन से हमारे टारगेट होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। सो टारगेट क्या हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, के हादसात कम से कम हो, मीन के एक्सीडेंट कम से कम हो, इंसिडेंट कम से कम हो, नेयर मिस कम से कम हो, एबसेंटिज़म रेट, एबसेंटिज़म रेट मीन्स के वहाँ पे जो गैर हाजिरी है वो कम से कम हो, स्टाफ का टर्नओवर जो है रेट है वो कम से कम हो, वहाँ पे इल हेल्थ जो है बीमारियाँ कम से कम हो, ये टारगेट हो सकते हैं। प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, कॉस्ट कम से कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये किसी भी कंपनी के टारगेट हो सकते हैं जो कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में शामिल किए जाते हैं। सो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। दूसरा सेक्शन क्या है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरे सेक्शन में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं मुख्तलिफ लोगों की वो डिफाइन की जाती हैं। आउटलाइन द चेन ऑफ कमांड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, इसमें एक प्रॉपरली एक चेन बनी होती है, जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं उसके रिगार्डिंग एक चेन होती है। आइडेंटिफाई द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ, जो स्टाफ की रोल्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इसमें आइडेंटिफाई होते हैं। यूजली इंक्लूड एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी, सो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है जिसमें सारे लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिज़ाइन होती हैं। शो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, इसमें लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन शो होती हैं, किस बंदे ने किसको जवाब देना है, किसने किसको फीडबैक देना है, वो सारी चीज़ें इसमें डिज़ाइन होती हैं। ये मैं अगली स्लाइड में अभी आपको दिखाता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, फिर आपको समझ आ जाएगी। सो ये हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। सबसे पहले कंपनी का होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे होता है मैनेजर, मैनेजर के नीचे होता है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे होते हैं एम्प्लॉइज। सो ये देखें, ये पूरी एक चेन ऑफ कमांड बनी हुई है स्टेप बाय स्टेप, किसने किसको कम्युनिकेट करना है, किसने किसको फीडबैक देना है। सो ये जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के पास नहीं जाएंगे, एम्प्लॉइज़ किसको बताएंगे अपना मसला, सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र किसको जवाब दे होगा, सेफ्टी मैनेजर को, सेफ्टी मैनेजर किसको जवाब दे होगा डायरेक्टर को, और डायरेक्टर किसको जवाब दे होगा मैनेजिंग डायरेक्टर को, और इन सब को कौन मॉनिटर कर रहा होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र। मैनेजिंग डायरेक्टर को भी, डायरेक्टर्स को भी, मैनेजर्स को भी, सुपरवाइज़र को भी और एम्प्लॉइज़ को भी हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र जो होता है वो क्या कर रहा होगा, इनको मॉनिटर कर रहा होगा इनकी परफॉर्मेंस को। सो ये हमारे पास है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जिसमें क्लियरली रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन है कि किस बंदे ने किसको जवाब देना है, किसने किसको जवाब देना है। सो डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट होता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होती हैं। CEO और MD, CEO क्या होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और MD मैनेजिंग डायरेक्टर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, इनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है और ये क्या होते हैं अकाउंटेबल होते हैं, ये जवाबदेह होते हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। फिर मैनेजमेंट आ जाती है कंपनी की, वो क्या होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे जो हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट होती है ये उसके जिम्मेदारी किसकी होती है मैनेजमेंट की। फिर ऑल एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग सेफली, सारे जो कंपनी के मुलाजिम हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो सेफली काम करें। फिर जो लोग कंपनी में सारे क्या होने चाहिए कंपिटेंट होने चाहिए, काबिल होने चाहिए, जो भी फर्स्ट एडर है या फायर मार्शल है वो क्या होने चाहिए कंपिटेंट होने चाहिए।
फिर स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर को हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र भी कहते हैं, सेफ्टी ट्रेनर भी कहते हैं, इन्हें सेफ्टी कंसल्टेंट भी कहते हैं या इन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। इनकी जिम्मेदारी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एडवाइस टू सपोर्ट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। जो कंपनी की मैनेजमेंट है उनको यह क्या करें, नसीहत करें रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, कि आप अपने जो हेल्थ एंड सेफ्टी है कंपनी में वो किस तरह इंप्रूव करेंगे, उस पर ये क्या प्रोवाइड करें, गाइडनेस प्रोवाइड करें। जो कंपनी की मैनेजमेंट है या कंपनी के जो मुलाजिम हैं उनको गाइडनेस प्रोवाइड करें, कौन, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर या एडवाइज़र। सो तीसरा पार्ट जो है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का वो हमारे पास है अरेंजमेंट। सो हमने क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी है, सबसे पहले है हमारे पास रिस्क असेसमेंट हमने अरेंज करनी है, फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन किस तरह देनी है, इंस्ट्रक्शन किस तरह देनी है, ट्रेनिंग किस तरह देनी है, ये चीज़ें अरेंज करनी है। फिर कंपनी में कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट, नियर मिस, उसको किस तरह रिपोर्ट करना है, किस तरह रिकॉर्ड करना है, किस तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर कंसल्टेशन विद वर्कर, लोगों के साथ जो कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनके साथ किस तरह कंसल्ट करना है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। फिर डिवेलपिंग सेफ, सॉरी ये आगे स्लाइड चली गई थी, डिवेलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, हमने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किस तरह डिवेल्प करना है। वेलफेयर एंड फर्स्ट एड प्रोविजन, लोगों को जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है या फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है वो हमने चीज़ें सारी अरेंज करनी है। फिर फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन के रिलेटेड सारी चीज़ें हमने अरेंज करनी है, इमरजेंसी प्रोसीजर हमने अरेंज करना है। फिर कंप्लाइंस मॉनिटरिंग जो होती है, जो ऑडिट होता है, वो सारी चीज़ें हमने अरेंज करनी है। सो इंडिविजुअल एक्टिविटी, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी हैज़र्ड, रिटर्न डाउन एज मैनी एज यू कैन थिंक ऑफ विच यू बिलीव शुड बी इंक्लूडेड इन अरेंजमेंट सेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। के मतलब कोई अदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो हैज़र्ड होते हैं जो आपके जहन में हो, जो आप अरेंजमेंट सेक्शन में आप शामिल करना चाहते हैं, वो कौन कौन से हैं। सो जो अदर जो हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं अरेंजमेंट में, वो ये मुख्तलिफ हैज़र्ड हैं। सबसे पहले हमारे पास है लोन वर्किंग, लोन वर्किंग सबसे बड़ा हैज़र्ड है, ये भी हमने अरेंजमेंट सेक्शन में शामिल करना है कि अगर हमारी कंपनी में लोन वर्कर ज़्यादा हैं तो उनकी हमने सेफ्टी का ख्याल किस तरह रखना है। फिर नॉइस जो है उसका एक्सपोजर, उसको किस तरह कंट्रोल करना है। फिर वाइब्रेशन का जो एक्सपोजर है उसको किस तरह कंट्रोल करना है। फिर अगर कंपनी में कोई टॉक्सिक मटेरियल है, कोई तेजाब है, कोई केमिकल है, उसको उसका जो एक्सपोजर है उसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है। फिर कंट्रोल ऑफ क्राउड, अगर कंपनी में कोई हजूम बन जाता है उसको किस तरह कंट्रोल करना है। फिर जो ट्रांसपोर्ट रिस्क है, जो कंपनी में ट्रांसपोर्ट है उसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है। फिर स्पेसिफिक हेल्थ सर्वेलेंस रिक्वायरमेंट, हेल्थ सर्वेलेंस ये होती है ऑन गोइंग हेल्थ चेक, जो मीन्स कि हमें कोई बीमारी ना हो उसके बगैर जो हम अपनी हेल्थ का जो चेकअप करवाते हैं उसे क्या कहते हैं, हेल्थ सर्वेलेंस। कुछ जॉब्स होती हैं उनके रिलेटेड हमने हेल्थ सर्वेलेंस करवानी होती है, जिस तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट हो वहाँ पर रेडिएशन का ज़्यादा खतरा होता है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, तो वहाँ पर लोगों की क्या होती है, साथ साथ हेल्थ सर्वेलेंस होती है। सो हमने अपनी चीज़ों के लिहाज से, जिस तरह के हमारे हैज़र्ड हैं उसके लिहाज से हमने हेल्थ सर्वेलेंस जो है वो भी हमने अरेंज करनी है अपने लोगों के लिए, ताकि हम उनकी सेफ्टी का प्रॉपरली ख्याल रख सकें। सो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, हो कैन अ पॉलिसी बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड, व्हेन शुड इट बी रिव्यूड, के जो कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है हम उसको किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ तरीके हैं, जिस तरह वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, हमारे पास ग्राफिक कम्युनिकेशन है, उसके थ्रू हम कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कम्युनिकेट कर सकते हैं, या टूल बॉक्स टॉक के थ्रू हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंपनी में मुख्तलिफ नोटिस बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पर हम अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हम वहाँ पर लगा दें, उसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, या लोगों को ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है। व्हेन शुड इट बी रिव्यूड, हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को कब कब रिव्यू करते हैं। सो रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, चेंज इन की पर्सनल, जब भी कंपनी का की बंदा चेंज हो जाए तो हमने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को क्या करना है, रिव्यू करना है। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, अगर कंपनी में प्रोसेस चेंज हो जाए फिर भी हमने पॉलिसी को रिव्यू करना है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो फिर भी हमने पॉलिसी को रिव्यू करना है, क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसके कुछ हैज़र्ड और होंगे, जो न्यू टेक्नोलॉजी होगी उसके कुछ हैज़र्ड और होंगे। लेजिस्लेशन, अगर कानून चेंज हो जाए फिर भी हमने पॉलिसी को रिव्यू करना है, अगर कोई कंपनी में इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नेयर मिस, कोई इल हेल्थ केस आ जाता है तो फिर भी हमने क्या करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना है। अगर कंपनी के खिलाफ कोई एजेंसी इन्फोर्समेंट एक्शन लेती है तो फिर भी हमने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना है। फिर अगर ऑडिट हम अगर कंपनी का करवाते हैं तो उसके बाद जो कमज़ोरियाँ हमारे सामने आती हैं फिर उनको इम्प्रूव करने को, उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए हम अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे।
आफ्टर वर्कर कंसल्टेशन अपने लोगों के साथ, अपने वर्कर के साथ कंसल्ट करेंगे, अगर उन्होंने बताया कि ये चीज़ें इस तरह हो सकती हैं, फिर हम क्या करेंगे, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। फिर पैसेज ऑफ टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो एनुअली हमने सालाना अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना होता है। सो व्हाट आर द थ्री की पार्ट्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है उसके तीन की जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है हमारे पास सबसे पहले, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर है अरेंजमेंट। सो व्हाट टाइप ऑफ टारगेट माइट बी रेफरेंस्ड इन पॉलिसी, कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में कौन कौन से टारगेट हम लिख सकते हैं, वही चीज़ें जो मैं पीछे आपको पढ़ा के आया हूँ, कि हादसात कम से कम हो, एक्सीडेंट कम से कम हो, इंसीडेंट कम से कम हो, नेयर मिस केसेस कम से कम हो, इल हेल्थ केसेस जो हैं वो कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, कॉस्ट कम से कम लगे, ये टारगेट हो सकते हैं। सो एलिमेंट टू हमारा कंप्लीट हो गया है, ये एलिमेंट टू की समरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो काइंडली गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सो जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह के लेक्चर बनाता रहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।